दूध पीने से 40 बच्चे हुए बीमार, मामला नौगछिया के प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल का। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज, एसडीओ मुख्यालय डीएसपी सहित थाना अध्यक्ष कर रहे अस्पताल में कैंप। नौगछिया के NH31 पकड़ा मोड़ के समीप स्थित आवासीय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में रात्रि का भोजन खाने के पश्चात 40 छात्र छात्राएं बीमार हो गए। सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों में नीरज कुमार के पुत्र पीयूष कुमार, प्रभाकर कुमार की पुत्री आस्था कुमारी, अरविंद कुमार के पुत्र पीयूष कुमार, सौरभ कुमार, मिथिलेश कुमार के पुत्र केशव कुमार, राघवेंद्र सिंह की पुत्री जया गौरी, अनिल सिंह के पुत्र ऋषि कुमार, कृष्णदेव सिंह के पुत्र अमन कुमार, संतोष यादव के पुत्र हिमांशु कुमार, सुनील शाह की पुत्री कृतिका कुमारी, विकास यादव के पुत्र विशाल कुमार, संजीव शर्मा की पुत्री प्रियंका कुमारी, आर्यन कुमार, गौतम कुमार सहित 40 छात्र एवं छात्राएं हैं। बच्चों ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को रात्रि में खाने में दूध व रोटी दिया गया था। खाना खाने के पश्चात सभी बच्चे उल्टी, दस्त, जी मचलाना, सर दर्द, पेट दर्द की शिकायत कर रहे थे। यह भी बताया गया कि दूध में छिपकली गिर गई थी। स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए वाहन से अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया पहुंचाया। मौके पर अस्पताल के उपाधीक्षक बी दास, चिकित्सक विनय कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी ने सभी छात्र एवं छात्राओं का इलाज किया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक रमन कुमार भी मौजूद थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्र छात्राओं का जायजा लिया। मौके पर मुख्यालय डीएसपी नौगछिया थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे। वहीं नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में 45 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बीमार सभी बच्चों को इलाज किया है। सभी बच्चों की स्थिति संतोषजनक है। फिलहाल बच्चों को चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है। वहीं इस मामले में स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि दहियार दूध दिया था, उसमें छिपकली गिरा हुआ था। वहीं दूध बच्चों ने पी लिया। दूध गर्म करने के पश्चात बच्चों ने दूध पी लिया था। बाद में दूध में छिपकली मिला था। बच्चे घबराहट की शिकायत करने लगे। सभी बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों की स्थिति ठीक है। वहीं विद्यालय के कर्मी आशुतोष कुमार एवं भूषण कुमार ने बताया कि दूध में गड़बड़ी की आशंका पर छात्र बीमार पड़े, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। विद्यालय के संचालक को जानकारी दे दी गई है, 40 बच्चे बीमार पड़े हैं। वहीं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास ने बताया कि कुछ बच्चे को छोड़कर अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को सुई एवं अन्य दवाई पड़ा है, सुधार हो रहा है। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रेसिडेंसी स्कूल में लगभग 40 से 45 बच्चों की तबीयत खराब है, तो सूचना मिलते के साथ ही सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल लाया गया है। आप लोग देख भी रहे हैं, सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। अभी सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कारण बताया जा रहा है कि इन बच्चों को दूध दिया गया था, दूध में छिपकली मिलने की बात कही जा रही है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इसका कारण क्या था। लेकिन वर्तमान समय में सभी बच्चे की स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, मतलब ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिनको बाहर कहीं इलाज की जरूरत है या उनको नहीं? अभी हम लोग सभी बच्चों से मिल रहे हैं, सभी से बातचीत भी कर रहे हैं, तो किसी बच्चे को और हॉस्पिटल उपाधीक्षक द्वारा भी बताया गया कि सभी की स्थिति ठीक है, कहीं बाहर इलाज की जरूरत नहीं। पूजा कैसे क्या हुआ? हमको तो पता नहीं सर, हम दूध तो उबाले नहीं है। चार दिन हमको ड्यूटी हुआ करे हुए। उसके बाद पता नहीं मैम ने देखी तो बोला दूध मत पियो, इसमें छिपकली है।
हम उधर रोटी दे रहे थे बस यही। तो दूध आप भी पिए हैं जी? आपको भी प्रॉब्लम हुआ जी? क्या हुआ प्रॉब्लम? मेरा गला पूरा यहाँ लहर रहा है पूरा पेट तक जी, और सर दर्द कर रहा है। अभी कहाँ आए हैं? अभी हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ इलाज हुआ जी? क्या सब चीज दिया गया यहाँ? सुई दिया गया, दवाई दिया गया। अभी भी दिक्कत है जी? अभी ये पूरा सूख रहा है मेरा गला दर्द। गला सूख रहा है जी। क्या नाम हुआ? पूजा देवी। और क्या काम करते हैं स्कूल में? खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं जी। आर्यन कुमार। क्या हुआ? दूध में छिपकली गिर गया था। अच्छा, और दूध पी लिया सब? हम लोग खा रहे थे रोटी के साथ दूध के। यस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि सर बेगो बेगो, तब हम लोग बेग दिए थे। फिर दिया। यस। तो फिर कोई दिक्कत भी हुआ तुम लोग को? गला में दर्द हो रहा था। गला में दर्द हो रहा था। अभी कहाँ आया है? हॉस्पिटल आया है इलाज कराने। क्या दिक्कत है? अभी भी तुमको दिक्कत है? नो सर। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन कुमार। कौन से क्लास में पढ़ता है तुम? थर्ड में। सब बच्चा दूध खा लिया था? नो सर। तब? और सब बचा हुआ था? और सब बचा हुआ था। तुम खा लिया था? यस सर, हम लोग खाए थे। तुम्हारा क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? दूध में चिपकली गिर गया था। अच्छा, और दूध खा लिया वो? यस सर। उसका क्या दिक्कत हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा गला में जलन हो रहा था। जलन होने लगा। अभी कहाँ आया है? हॉस्पिटल। अच्छा, क्या बजे दूध पिया था याद है? क्या बजे खाना खाया था? 8 बजे। 8 बजे, उसी समय से दिक्कत हो रहा था? नो सर, जब दूध पी लिया तो थोड़ा देर के बाद। थोड़ा देर के बाद होने लगा। जया गरी। और क्या हुआ बाबू तुमको? सिर दर्द। सिर दर्द करने लगा? कैसे करने लगा? दूध। दूध पिए? दूध में क्या गिर गया था? छिपकली। आप देखे थे छिपकली क्या? नहीं। दूध पीने के बाद आपको दिक्कत होने लगा? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थ्री में। अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है? क्या हो रहा है दिक्कत? सिर दर्द कर रहा है। रोहन कुमार। रोहन कुमार, क्या हुआ था तुमको दिक्कत? क्या खाया पिया? कैसे बीमार हो गया पता है? कैसे बीमार हो गया? कौन सी खाया था बाबू रे? दूध। दूध खाया और उससे बीमार हो गया? हाँ। अच्छा, दूध पीने के बाद कैसा लग रहा था तुमको? गिरगिटिया था। गिरगिट था उसमें? तुम भी दूध खा लिया था? नाम है सत्यम कुमार। क्या हुआ सत्यम, कैसे क्या हुआ जो बीमार पड़ गया? खाना खा रहे थे, उसके बाद जो है ना दूध रोटी खा रहे थे ना, तो फिर मन थोड़ा सा घूमने लगा, तो सर बोले क्या दूध फेंको, दूध में छिपकली है, तो हम लोग दूध फेंक दिए, उसके बाद उल्टी होने लगा। लेकिन तब तक खा लिया था? हाँ। कौन बताया छिपकली है? मतलब स्कूल का टीचर? हाँ। अच्छा, तब तक खा लिया था? हाँ। तुमको क्या दिक्कत हुआ खाने के बाद? मन घूमने लगा। घूमने लगा। आदित्य कुमार। क्या हुआ आदित्य, काहे बीमार पड़ गया, कैसे? सर दूध रोटी खा रहे थे ना, तो मन थोड़ा सा घूमने लगा, तब सर बोले फेंक दो, छिपकी लिया इसमें, इसलिए फेंक दे, तो माथा उठा दर्द करने लगा, तब बोला चलो सब ऊपर। यहाँ कितना बच्चा आया है? 40-50। 40-50। सब बच्चा खा लिया था? सर नहीं, सब ने खाया था, जो जो खाया था यहाँ आया। कृतिका कुमारी। हाँ, क्या हुआ है तुमको? पेट दर्द करने लगा। क्या खाई थी? दूध खाई थी। हाँ। दूध से ही दर्द हो गया। अच्छा, शिवम कुमार। किस क्लास में? 9th में। अच्छा, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? दूध पीने के बाद मन सब घूमने लगा। अच्छा, फिर आंटी बोली दूध फेंको, चिपके लिए फेंके दूध, लेकिन तब तक तबीयत खराब हो गया, मन घूम रहा था, सब बच्चे का तबीयत खराब हो गया। अभी कहाँ आया है तुम? अभी हॉस्पिटल। यहाँ कोई दवाई हुआ दिया गया तुम? एक सुइया दिया गया। अब लग रहा है? अब ठीक लग रहा। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों को लगा कि दूध में कुछ गिरा हुआ है, और कुछ बच्चों ने महसूस किया कि उनको कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, हमको लगा कि उनको लेकर हॉस्पिटल आना चाहिए, सारे बच्चों को लेकर आ गए। कौन से स्कूल से लेकर हैं? हम प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल से हैं। कब बच्चे लोग खाना खाए थे जिससे दिक्कत हुई? बच्चों ने 8:30 बजे खाना खाया था, उसके बाद वो दूध, उनका नियमित रूटीन है, वो दूध पीने के लिए आए थे, उनको लगा कि कुछ है, बट हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ नहीं था। कितने बच्चे को लेकर आए हैं? लगभग गिनती में 35 से 40 के आसपास। 40 बच्चे। सबका मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट भी? सारे सबका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हमारे सारे बच्चे सुरक्षित हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष चौधरी।